तो आज हम बात करेंगे PHP माय एडमिन से डेटा को कैसे डिलीट करें। तो डेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम अपना जैम सर्वर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर ये जो फंक्शन खुला गया इसमें जो है हम एक कमांड एंटर करेंगे /jamp_start.exe। इस कमांड से जो हमारा अपाचे सर्वर और SQL सर्वर दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम फिर अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने के बाद हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हमें एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद phpMyAdmin पर जाएंगे। phpMyAdmin पर जाने के बाद हम देखिए अपने डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं। ये सभी प्रकार के हमारे पास फंक्शन ओपन हो गए हैं। अब इसमें हम अपने डेटा डिलीट करना है, तो 7 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें इन टेबल्स को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम चेकऑल पर क्लिक करेंगे। ये सभी चेकऑल पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद हम विद सिलेक्टेड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ड्रॉप पर जाएंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने पर ये सभी हमारा जो है डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेव किया, तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है।